माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक मीटिंग करेंगे और लेटर भी लिखेंगे संज्ञान में लेने हेतु कि जब 72 विधायक ने लिख के देने के बावजूद आज पॉलिसी क्यों नहीं बन रहा है। जो 60-40 ना चल तो जन आंदोलन का भावना का जो हम लोग राज्य के तमाम विधायक संसद से जो लिखित दस्तावेज लिए थे, जो नियुक्ति प्रक्रिया संचालित की जा रही है जिसमें झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है और जिसके समर्थन में पक्ष विपक्ष समेत 72 विधायक हैं। अभी अभी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन के पास राज्य में 60-40 न लागू होने के लिए ज्ञापन सौंपा है और राजभवन के बाहर आकर मीडिया से उन्होंने बातचीत की, तो उस बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा सुनिए। राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख महामहिम राज्यपाल महोदय को जो 60-40 ना चल तो जन आंदोलन का भावना का जो हम लोग राज्य के तमाम विधायक संसद से जो लिखित दस्तावेज लिए थे, जो यह झारखंड का एक तरह से हृदय का टुकड़ा कह सकते हैं, ये तमाम लिखित दस्तावेज हम लोग ने सौंपा और इस विषय वस्तु पर बहुत लंबी बातचीत हुई और हमारे सारे बातों को महामहिम राज्यपाल महोदय ने गंभीरता से लिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात से आश्चर्यचकित हुए कि जब 72 विधायक ने लिख के देने के बावजूद आज पॉलिसी क्यों नहीं बन रहा है। झारखंड राज्य के विज्ञापन जो लगभग 3,52,000 रिक्त पदों के विरुद्ध जो विज्ञापन निकाल करके जो नियुक्ति प्रक्रिया संचालित की जा रही है जिसमें झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है और जिसके समर्थन में पक्ष विपक्ष समेत 72 विधायक हैं, सील सिग्नेचर के साथ दिए हैं, यह बहुत आश्चर्यचकित किए और हमें पूरे बातों को गंभीरता से लेते हुए कहे कि ये तत्काल संज्ञान में हम लेते हैं और महामहिम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक मीटिंग करेंगे और लेटर भी लिखेंगे संज्ञान में लेने हेतु। और जो हमारा मांग है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति जिसमें यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा जानने की बाध्यता हो, जिसके तहत यहाँ की जो जल जंगल जमीन है यहाँ के भाषा संस्कृति रीति रिवाज का संरक्षण हो, इसको लेकर के बहुत गंभीर हुए। और आगे हमारा इस आंदोलन को लेकर के जो महामहिम राज्यपाल महोदय को देने से पूर्व ये हम लोग माननीय स्पीकर महोदय को भी हम लोग ये बहुमत का आंकड़ा हम लोग समर्पित कर दिए हैं, आज ये बात भी हम लोग ने अवगत कराए और सारी बातों को गंभीरता से लिए। और चूंकि हम लोग इस राज्य का हितार्थ और इस राज्य का कल्याण हेतु जो हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, चूँकि हमारा मकसद सिर्फ चेहरा चमकाना नहीं है, ये जो लंबे संघर्ष के परिणाम जो हम लोग दस्तावेज इकट्ठा किए उसको हम लोग सही जगह पहुंचा दिए हैं और ये आगे कार्रवाई को लेकर के हमें आश्वासन भी मिला है और निश्चित ही उन्होंने कहे हैं कि इस राज्य में जितने भी विज्ञापन हो रही है इसमें झारखंड निवासी शब्द को जोड़ा ही जाएगा और 60-40 के तहत कोई भी नियुक्ति हम लोग जो है कि अन्य राज्य का जो भी विज्ञापन है उसको हम अध्ययन करेंगे, उसका हम बाकी राज्य का विज्ञापन को हम मंगाएंगे उसका अध्ययन करेंगे और इस राज्य के साथ अन्याय होने नहीं देंगे चूँकि यह 5वीं अनुसूची का राज्य है। और महामहिम राज्यपाल इस बात को अवगत कराए कि संविधान का अनुच्छेद 244 का 1 के तहत जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल महोदय को अधिकार है कि राज्य सरकार को मार्गदर्शन करेंगे और आदेश भी देंगे और कोई भी जो है कि उसको अनुमति भी प्राप्त करेंगे कोई भी नियम को कानून को, ये सारे बात हम लोगों ने बहुत गंभीरता से हुआ और स्पीकर महोदय भी हम लोगों से आश्वासन दिए हैं कि आगामी जो मानसून सत्र होगा इस मानसून सत्र के दौरान में इसको संज्ञान में लाया जाएगा, खुद जिम्मेवारी लिए हैं कि मैं संज्ञान में लाऊंगा बोले हैं और संज्ञान में आएगा और निश्चित ही झारखंड राज्य के अंदर 60-40 वापस होगा और खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू होगा इस राज्य के अंदर।